हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। और आज का जो टेस्ट है वो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं, जिसमें है व्याख्यान विधि, दल शिक्षण विधि, कहानी कथन विधि, समस्या समाधान विधि, तो जितनी भी विधियां हैं उससे संबंधित जो है वो आज का टेस्ट होने वाला है। यहाँ तक कि सामाजिक अध्ययन क्या जो भी सब्जेक्ट है सभी में ये विधियां जो है वह काम में ली जाती हैं, ठीक है। तो स्पेशली सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं उनकी बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपको भी आंसर फटाफट देना है। तो चलिए, तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में व्याख्यान विधि, हर्बर्टीय विधि, दृष्टांत विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ सबसे पुरानी विधि जो है वह कौन सी है, तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि वह तो नहीं है, दृष्टांत विधि भी नहीं, हर्बर्टीय विधि भी नहीं। आंसर क्या है यहाँ पर, व्याख्यान विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं, इसे ही हम कथन विधि भी कहते हैं। और यह प्राचीनतम विधि है, और इसमें क्या होता है, इसमें दो मुख्य पॉइंट होते हैं, दो तत्व जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखना है। एक तो यह परंपरागत विधि है और दूसरी आदर्शवादी विचारधारा की प्रमुख विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि, ठीक है। दो चीजें आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी में जो तर्क शक्ति का विकास करती है यह विधि, यदि विद्यार्थी सीख जाता है लेक्चर देना, इसमें समय श्रम और धन की बचत होती है, विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधी दोषों को इससे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जब टीचर इस विधि का प्रयोग कर रहा होता है तो इससे बच्चों का श्रवण कौशल का विकास होता है। तो कुछ विधियों के मेरिट होते हैं, कुछ डिमेरिट भी होते हैं, ठीक है, कमियां भी होती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जहां हम जब इसकी बात करेंगे इसके दोषों की, तो हम क्या बोलेंगे उसमें कि एक तो यह शिक्षक केंद्रित विधि है, केवल जो ऊंची क्लासेस हैं, जो बड़ी क्लासेस हैं वहां के लिए ये सुटेबल है। यहाँ पर विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है और मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों की ये क्या करता है, उपेक्षा करता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि यह विधि जो है आदर्शवादी विचारधारा की प्रमुख विधि है, ठीक है, और यह परंपरागत विधि है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो देखिए, व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि, प्रदर्शन विधि या हर्बर्टीय विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से ही आप लोग समझ गए होंगे कौन सी विधि है, तो जहां पर शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है सबका ही सही है, सभी बच्चों का सही है, एक और दो, तो व्याख्यान विधि है वह। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, समूह परिचर्चा, दल शिक्षण, पैनल चर्चा या उपरोक्त सभी। तो वो कौन सी विधि है, यह कौन सी शिक्षण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य हो रहा है। तो बिल्कुल सब लोग बहुत ही जमकर पढ़ के आए हैं, जब भी सभी के आंसर जो है वो सही हैं, तो यहाँ बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा, दल शिक्षण जिसे कि टीम टीचिंग भी कहते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जो होता है वह एक ही कक्षा को एक समय पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पर जो ये सभी शिक्षक मिलकर कार्य एक ही कक्षा के लिए कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे टीचर जो हैं वो एक क्लास को कैसे पढ़ाते हैं। सपोज करिए कि जैसे कि कुछ इतिहास का कोई चैप्टर है जिसमें इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो एक इतिहास के अध्यापक दे रहे हैं, उसी के अंदर अगर धार्मिक बातें आ रही हैं तो उसकी बातें जो है वह धर्म विशेषज्ञ शिक्षक जो है वो देंगे। अगर कुछ ड्रॉइंग से संबंधित, मतलब चित्रकला विशेषज्ञ चित्र से संबंधित देंगे, उसके अंदर ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होगा तो उसके लिए अध्यापक वो दूसरे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक दल होता है, एक टीम होती है जो कि एक कक्षा को पढ़ाने के लिए होती है। बालक अधिक रुचि किस विधि में लेगा, तो देखिए यहाँ पर किस में लेगा, कहानी कथन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस में अधिक रुचि लेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए कितने मजेदार हैं, पाठ्य पुस्तक विधि में तो बिल्कुल भी नहीं लेगा,
कौन लेता है पाठ्य पुस्तक विधि में, आप भी नहीं लेते हैं, और बच्चे कहाँ से लेंगे? तो देखिए कहानी कथन विधि है ना, कहानी कथन विधि जो है इस विधि में सबसे ज्यादा रुचि लेगा। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होनी चाहिए? एक लेखक के, एक विद्यार्थी के, शिक्षक के या सरकार के? तो फटाफट से लगा दो इसका आंसर और देखती हूं मैं कि फिफ्थ तक किसके सही आंसर हुए हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से ही तैयारी करते हो और बिल्कुल करनी भी चाहिए, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है और पक्का ही लेना है। तो यहाँ आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी विषय की हो, तो वह विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए कि विद्यार्थी को वो समझ आ सके। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, विषय सामग्री चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री चयन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री चयन या प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री चयन या स्तरीकरण। तो इनमें से जो सही आंसर है वो लगाना है पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन सही आंसर आपको बताना है। चलिए मैं ही आपको इसका सही आंसर जो है वो बताती हूँ। यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सोपान क्या है, इसका स्तर क्या है, विषय सामग्री का चयन, फिर स्तरीकरण और उसके बाद प्रस्तुतीकरण। ठीक है, पाठ्य पुस्तक रचना में सबसे पहले विषय सामग्री का चयन होगा, फिर स्तरीकरण और उसके बाद उसका प्रस्तुतीकरण होगा। तो यह कैसी विधि होती है, इसमें छात्र जो होते हैं वो रटने के साथ साथ समझते भी हैं पाठ को, है ना, और स्वयं क्रिया करके ज्ञान अर्जित करते हैं, ये भी आपको पता होगा। और इसमें क्या लाभ होता है पाठ्य पुस्तक रचना, पाठ्य पुस्तक विधि में, इसमें छात्रों में अध्ययन की निपुणता बढ़ती है पढ़ने की, ठीक है, और कार्य में व्यवस्था उत्पन्न करना, स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है, वह स्वयं अध्याय करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो देखिए जो भी कंटेन है पाठ्य पुस्तक की, जो विषय वस्तु है, तो वो प्रस्तुत की जाएगी जब, तो नहीं होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर, बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर, लेकिन कठिन से सरल की ओर नहीं होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहां पर जिसको नहीं पता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी कि कोई भी बड़ी चीज उसके अंदर छोटे छोटे चीजों के तरफ गौर करना, छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करना, सामान्य तौर पर आप इस चीज को समझिए, ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना ही चाहिए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा किसके द्वारा प्रदत्त है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं यही बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, बेसिक शिक्षा किसके द्वारा प्रदत्त है। तो सोचिए, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल आंसर रहेगा महात्मा गांधी। तो सबके ही सही हैं, आज तो सब एकदम सही से मार्क्स लेके आने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना या योजना शब्द का प्रयोग कहाँ तथा कब हुआ, भारत में 1908 में, भारत में 1960 में, अमेरिका में 1908 में या अमेरिका में 1960 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि सबसे पहले अमेरिका में 1908 में प्रयोजना, योजना या प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक निश्चित रूप से नहीं किया गया था, इसका जो निश्चित रूप है वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर जॉन ड्यूवी और उनके शिष्य
WH किलपैट्रिक, इन्होंने की थी। ठीक है, कब की थी? किलपैट्रिक ने 1918 ईस्वी में, याद रखना है आपको, 1918 ईस्वी में। और तब यह किस पर आधारित करके उन्होंने एक निश्चित रूप दिया था? उन्होंने जो उनके गुरु जॉन ड्यूवी थे, उनका सिद्धांत प्रयोजनवाद, इस पर आधारित करके इससे एक निश्चित रूप प्रदान किया था, प्रयोजना, योजना या प्रोजेक्ट विधि को। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तम समस्या वह है जिसके समाधान के साधन आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसके चयन व समाधान में बालकों की भूमिका प्रमुख हो, जो अधिक से अधिक क्रियात्मक व उपयोगी हो, या उपरोक्त सभी। तो उत्तम समस्या वह है, कौन सी है इसमें से? राइट क्या है कि जहां समाधान के साधन आसानी से उपलब्ध हो, बालकों की भूमिका हो, अधिक से अधिक क्रियात्मक हो, करके सीखने वाला हो, उपयोगी हो, तो वह एक उत्तम समस्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्या समाधान विधि के लिए असत्य कथन है। तो क्या असत्य कथन है? यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है, यह छात्रों को स्व अध्याय के लिए प्रेरित करती है, इस विधि से कक्षागत शिक्षण संभव नहीं है, या इस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है? तो फटाफट से इसका आंसर सोचिए। समस्या समाधान विधि, तो इस विधि का विकास भी अमेरिका के जो शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन ड्यूवी ने किया था। तो यहां पर क्या होता है, समस्या होती है, उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो यह विधि जो है, इसके बारे में जो गलत कथन कहा गया है वो क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि यह विधि जो है वो कक्षागत शिक्षण यहाँ संभव है, इस विधि के अंतर्गत बिल्कुल व्यक्तिगत शिक्षण इसमें संभव है, ये इसकी विशेषता है। छात्रों को स्व अध्याय के लिए प्रेरित करती है, यहाँ छात्रों में समस्या का समाधान करते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वह भी विकसित करती है। ज्यादा समय लेती है यह विधि, क्योंकि समस्या जो है उस पर डिपेंड करता है कि समस्या कैसी है, छोटी है, बड़ी है, तो यहाँ टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा होता है। और प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए यह विधि बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, उच्च स्तर की कक्षाओं में यह प्रभावी रहती है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, प्रायोजन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभव सिद्धांत, स्वतंत्रता सिद्धांत, वास्तविकता सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो प्रायोजन विधि, योजना विधि, या प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसमें बालक जो है वह खुद करके सीखता है, तो यह किस पर आधारित होगी? तो आंसर रहेगा बिल्कुल उपरोक्त सभी। यहां पर वह करके सीखेगा तो अनुभव लेगा, स्वतंत्रता है उसे, वह उस प्रोजेक्ट, उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसे पूरा करना है, तो उसे खुली स्वतंत्रता है कि वह कैसे उसे पूरा कर रहा है, और वास्तविकता पर आधारित है क्योंकि उसे वह करके देख रहा है। आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसने किया, किसने किया? सेंट थॉमस ने, सुकरात ने, जॉन ड्यूवी ने, या रूसो ने? आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसने किया? तो इस विधि का विकास जो है वो सबसे पहले मैंने बताया जॉन ड्यूवी ने किया था, समस्या समाधान विधि का। और आध्यात्मिक संवादों में इसका प्रयोग जो है वह किसने किया? सुकरात ने किया। ठीक है, सुकरात ने किया। प्राचीन काल में इसका प्रयोग जो है, इस विधि का प्रयोग सुकरात, सेंट थॉमस और मैक्सवे, इन्होंने किया था। उसके बाद जॉन ड्यूवी ने किया। और केवल आध्यात्मिक की बात की जाए तो आध्यात्मिक संवादों में इसका प्रयोग जो है वो किसने किया? सुकरात ने। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये कथन किसका है? ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन ड्यूवी का, या किलपैट्रिक का? तो यहां पर तो देखिए, जिसने याद किया है उसको पता है इसका सही आंसर। सोचने वाली बात ही नहीं है कि यहां पर प्रायोजना विधि की बात हो रही है, तो ब्लूम और क्रो एंड क्रो इनका तो रोल नहीं है, यहाँ पर जॉन ड्यूवी या किलपैट्रिक हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा किलपैट्रिक।
चलिए, आई होप सबका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि? कौन सी शिक्षण विधि जो मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान कर रही है? ठीक है, तो ये कीवर्ड पकड़िए, मानसिक निष्कर्ष को महत्व कौन सी विधि प्रदान करेगी? व्याख्यान विधि करेगी क्या? तो बी ऑप्शन तो गलत होगा। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल रहेगा कौन सी, समस्या समाधान विधि। यहाँ पर मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो थोड़ा सा जब मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि इस विधि का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया, तो आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन उपयोगी शिक्षा जो है यहाँ प्रदान की जाती है। योजना विधि के प्रवर्तक हैं, तो देखिए योजना विधि आ जाए, प्रायोजना विधि आ जाए या प्रोजेक्ट विधि आ जाए, एक ही नाम है, जॉन ड्यूवी, डब्ल्यू एच किल पैट्रिक, डॉल्टन या अरस्तु। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज रहने वाले हैं जॉन ड्यूवी और डब्ल्यू एच किल पैट्रिक में, ठीक है? तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वह मैंने लिया है ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पर जो योजना विधि के प्रवर्तक हैं वो माना जाएगा डब्ल्यू एच किलपैट्रिक को, ठीक है? याद रखना है डब्ल्यू एच किलपैट्रिक को ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1918 में जॉन ड्यूवी का जो प्रयोजनवाद सिद्धांत था इस पर आधारित करके इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। याद रहेगा आपको कि किल पैट्रिक जो है वह योजना विधि के प्रवर्तक हैं। तो ये 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे शिक्षण विधियों से संबंधित। तो और भी क्वेश्चन जो है वह भी आए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आज आप सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।